दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान का झंडा भारत में लहराने पर फांसी की सजा का कानून, जल्द अमित शाह ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भारतीय सरकार एक ऐसा कानून पास कर सकती है जिसके अंतर्गत वह लोग शामिल होंगे जो भारत में पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि भारत के अंदर ही कश्मीर में, महाराष्ट्र में, केरल जैसे राज्यों में किस तरीके की घटनाएं सामने आती है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए लोग नजर आते हैं। इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। कानून के अभाव में पुलिस भी इस तरीके के कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। आपको बता दें कि जब से गृह मंत्री बने हैं अमित शाह, तो वह एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें अमित शाह यह चाहते हैं कि जल्द ही लोकसभा, राज्यसभा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद यह कानून पारित किया जा सके। लोग पाकिस्तान का झंडा भारत में लहराते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह जैसा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। यदि यह कानून बनता है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होगा। भारत के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहराने निश्चित रूप से एक कानूनी अपराध घोषित किया जाना चाहिए। दूसरे देशों में भी इसी तरीके के कानून है। भारत में भी नरेंद्र मोदी सरकार का यह कानून पारित करने की नजर आ सकती है। आपको बता दें कि यहां तक कि पाकिस्तान के झंडे लहराने पर ना सिर्फ सजा बल्कि फांसी जैसा प्रावधान भारत में होना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है चीन ने नेपाल के 300 किलोमीटर जमीन हड़पी, 1000 किलोमीटर हड़पने के लिए आंख गड़ाया हुआ है। जी हां दोस्तों, मघेसी आंदोलन के दौरान भारत की शक्ति पर चीन ने मगरमच्छी आंसू बहाए और नेपाल को दिखा दिया कि वह सबसे बड़ा हमदर्द है। लेकिन चीन की सच्चाई जल्द ही नेपाल के सामने आ गई। नेपाल के अधिकारियों ने ओली सरकार को बताया है कि चीन तिब्बत में लगे नेपाल के भूभाग पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार चीन नेपाल के 300 किलोमीटर जमीन हड़प चुका है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके अनुसार जल्द ही चीन की इस गंदी नियत पर पर्दाफाश नहीं किया तो 1000 किलोमीटर की जमीन नेपाल हड़प लेगा। नेपाल के कृषि मंत्रालय के प्रधानमंत्री कार्यालय से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके अनुसार बागधारा, कर्णाली, संजोग, जम्मू खोला, केरू नदी के किनारे जमीन के अलावा सिंहपाल चौक, खराने, भोसे कोसी चीन के तिब्बत की ओर से जमीनों के हड़पना शुरू कर दिया है। नेपाल के खुफिया विभाग के आशंका पर जब ये सर्वे कराया गया तो चीन की मंशा सामने आ गई। नेपाल की खुफिया एजेंसी ने अपनी सरकार को चेताया है कि तिब्बत सीमा में लगे नेपाल भूभाग को जल्दी ढांचागत विकसित के लिए चीन को प्रोत्साहित न किया जाए। ध्यान रहे कि चीन की कोशिश रहती है कि वो नेपाल को भारत में प्रभाव से दूर कर वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। लेकिन 2016-17 में चीन ने नेपाल से भारत में मिलने वाली राशि को 10 गुना ज्यादा मदद देने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने भारत के एक बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट के लिए हड़पने की कोशिश कर रहा है। यहां दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव के हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नव निर्वाचित लोकसभा सांसदों की पहली बैठक हो सकती है जिसमें कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनने की संभावना हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि अभी सीपीपी की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है और पार्टी के सभी 52 लोकसभा सांसद के मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बता दिया है कि सीपीपी की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होगी जिसमें संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद अपनी पहली बैठक में कांग्रेस संसद निचले सदन में अपने नेता का चुनाव भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 25 मई को हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद यह पहली आधिकारिक बैठक होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे। कार्य समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की गई थी, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति पहले ही इनके इस्तीफे को इनकार कर दिया था और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें पार्टी में हर स्तर पर ढांचागत बदलाव के लिए अपने अधिकृत कर लिया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आज से रसोई गैस महंगी, बिना सब्सिडी तथा सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए देने होंगे ज्यादा पैसा। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर के लिए 1 जून से देश भर में दाम बढ़ाए गए हैं और बिना सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए तथा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 1 रुपया 23 पैसा महंगा हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जून से सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 497 रुपया 37 पैसे में मिलेगा। मई में इसकी कीमत 496 रुपया 14 पैसे थी। इसके साथ ही दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए कीमत 25 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और मई में यह कीमत 712 रुपया 50 पैसे थी जो जून में बढ़कर के 737 रुपया
50 पैसे हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमतों में परिवर्तन और डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में आए बदलाव के मद्देनजर रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों मोदी कैबिनेट में 4 बड़े फैसले, किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन का ऐलान, पशुओं का भी रखा गया है ख्याल। जी हाँ दोस्तों, नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर के कुल 4 बड़े फैसले किए गए हैं। पहला, किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया है। तीसरा, पशुओं की बीमारियों के निजात दिलाने के लिए टीकाकरण। और चौथा, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है की पेंशन का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए कौन सी बातें जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह योजना देश भर में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है। सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंच, 18 से 40 वर्ष तक के युवा इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसे 60 वर्ष तक करने के लिए पश्चात 3,000 रुपए मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार पेंशन फंड की भी उतनी ही राशि का योगदान करेगी जितना किसान द्वारा दी जाएगी। इसमें 18 साल तक के किसानों को 55 रुपए मासिक देना होगा, इतनी ही राशि सरकार भी देगी। आपको बताते हैं कि अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके पति पत्नी को 50% रकम मिलेगी। इस योजना की एक विशेषता यह होगी कि किसान इस योजना में अपना मासिक योगदान सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिए गए लाभों से ले सकते हैं। इस योजना का अन्य लक्ष्य होता है कि 3 सालों में न्यूनतम 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को कवर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा भी बढ़ जाएगा। 12.5 करोड़ से लेकर के 14.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए चालू वित्त वर्ष 2019 और 2020 के दौरान केंद्र सरकार की अतिरिक्त 87,217 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस योजना के तहत सिर्फ उन किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया था जिसके पास 5 एकड़ से कम की जमीन होगी, लेकिन अब जमीन की लिमिट हटा दी गई है और सभी किसानों को इस दायरे में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पशुओं का टीकाकरण भी किया जाएगा, पशुओं की बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण लाया जाएगा और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पशुओं के टीकाकरण की योजना पर केंद्र सरकार करीबन 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार की ओर से 30 करोड़ गाय, भैंसों, बैलों के मुंह और खुर के जुड़ी बीमारियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गाय, भैंस, बैल के अलावा भेड़, बकरी और सुअर का भी टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि छोटे कारोबारियों को पेंशन की सुविधाएं होगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट के छोटे कारोबारों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारियों को कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार होंगे। योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिसका जीएसटी के सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। 60 वर्ष की उम्र पार होने के बाद कारोबारियों या उनके परिवार में से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का हकदार होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 40 वर्ष अर्थ वर्ग के कारोबारियों को इस योजना में खुद को पंजीकृत कराना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारियों को अपनी तरीके से कुछ अंशदान जमा करना होगा और सरकार भी उतनी अपनी तरफ से उतना ही अंशदान कर उनके खाते में डालेगी। कारोबारियों को इसके लिए देश भर में फैले 3.25 लाख कॉमर्स सर्विस केंद्र के लिए जुड़े उसमें पंजीकृत कराना होगा। योजना के तहत 3 साल में देश भर में करीबन 5 करोड़ छोटे कारोबारियों को पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी, घटे डीजल के दाम, जाने 1 जून को आपके शहर में क्या होगा रेट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल के दामों में कुछ पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं डीजल के दाम घट रहे हैं। 1 जून को पेट्रोल के दाम की कुछ पैसे का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.65 रुपए और डीजल की कीमत 66.39 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले ही 31 मई यानी शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 71.73 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, जबकि डीजल के दामों में 12 पैसे की कमी आई थी। आपको बता दें कि डीजल की कीमत जो है वो 66.51 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक कलकत्ता में आज पेट्रोल की कीमत 73.74 रुपए प्रति लीटर रहा और आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 77.28 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 66.59 रुपए प्रति लीटर रहा है। हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, सबसे खतरनाक वायरस से भरा लैपटॉप 9 करोड़ में हुआ नीलाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई नीलामी के बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला एक लैपटॉप 10 लाख पाउंड करीबन 9 करोड़ रुपए में नीलाम हो गया है। यह लैपटॉप कोई आम डिजाइन नहीं है, इसके 6 खतरनाक वायरस हैं जो दुनिया को करीबन 6.64 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा चुके हैं। लैपटॉप के फीड खतरनाक
खतरनाक डिजिटल वायरस की वजह से यह दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है। लैपटॉप में करीबन 6 वायरस फील्ड है। यह 6 वायरस फील्ड में वाना क्रोम रेसफेयर वायरस भी शामिल है। वाना क्राई भी वही वायरस है जिसकी वजह से वर्ष 2017 में यूके में नेशनल हेल्थ सर्विसेज मतलब स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई थी। इतना ही नहीं, इसमें 74 देशों में कंप्यूटर खराब हो चुके हैं। इसके अलावा लैपटॉप में आई लव यू, माई ड्यूम, डार्क टीका, सो बिग और ब्लैक एलर्जी वायरस फील्ड भी है इसमें।